हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आफ्टर मार्केट सिलेंडर किट या फिर बिग बोर किट, ये सब चीज़ें इंडिया में मिलता है या नहीं, इंडिया की जितने मोटरसाइकिल है उसके लिए मिलता है या नहीं मार्केट में, या फिर ये सब लगाना हमें फ़ायदेमंद है या नहीं, अगर आपके इंजन में आप लगाओगे तो उससे इंजन में कोई ख़राबी आएगी या नहीं, सारा चीज़ बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो आफ्टर मार्केट किट ऐसे तो बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ आफ्टर मार्केट किट इंडिया में आती है या नहीं। सबसे पहले अगर KTM 390 या फिर KTM 200 की बात करें, KTM 200 का अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन, अमेजोन में भी आपको मिल जाएगा, इंडियन अमेजोन जो .in है उसमें भी आपको आफ्टर मार्केट किट दिखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, जो आपका जो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, मतलब जो CC है, वो ज़्यादा होता है इसमें। तो आपको पता है नॉर्मल इंजन में सबसे ऊपर तो हेड होता है, उसके बाद होता है सिलेंडर वाला सेक्शन, उसके नीचे जो पूरा जितने भी आपका जो क्रैंक असेंबली है, उसके बाद आपका जो गियर असेंबली, वो पूरा आ जाता है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर वाला पोर्शन है वो ही आपको मिलता है नॉर्मली, और उसके साथ में पिस्टन रिंग्स वो इंक्लूड रहता है उसी किट के साथ। क्योंकि ये जो किट है इसमें क्या होता है, जो डायमीटर है, जो सिलेंडर का डायमीटर है वो इंक्रीज रहता है, मतलब ज़्यादा बड़ा रहता है साइज़ का। क्योंकि स्ट्रोक लेंथ को हम तो चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे हम स्ट्रोक लेंथ को तो क्या होगा, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड को चेंज करना पड़ेगा, क्रैंक को चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत झंझट होती है। तो सबसे आसान तरीका ये है इंजन का साइज़ बड़ा करने के लिए, बोर का साइज़ को बढ़ा दें। तो यहाँ पे जो 200 है KTM, उसका जो बोर साइज़ आता है 72 mm का आता है और स्ट्रोक आता है 49 mm का। तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट जो किट में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, जो बोर साइज़ है वो 80 mm है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 mm का डिफरेंस है। 8 mm मतलब क्या है, दोनों साइड से 4 mm 4 mm, तो कम्प्लीटली 8 mm का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे मैं जो पिक्चर लगाया ये है आफ्टर मार्केट किट, और यहाँ पे जो स्टॉक किट आता है वो है। तो यहाँ पे आप जो लाइनिंग है उसमें देख सकते हो, जो सिलेंडर का वॉल है उससे जो पैसेज बना होता है कूलेंट का फ्लो के लिए, उसके बीच का जो सॉलिड पार्ट है वो देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें बहुत ही थिन है ये, और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे पता नहीं ये जो किट है ये इसी किट को बोरिंग करके बनाया गया है या नहीं, या फिर इन लोगों ने खुद से पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चर किया है। तो ऐसे तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करते। कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर है बहुत सारे हाई परफॉर्मेंस किट बनाते हैं, बहुत ही अच्छे मटेरियल के साथ बनाते हैं, और उनका जो पिस्टन जो होता है वो भी बहुत ही अच्छे ग्रेड का होता है, फोर्ज पिस्टन यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, कंपोनेंट का जो ड्यूरेबिलिटी है, उसका जो क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, मटेरियल से भी फ़र्क पड़ता है। तो सारा चीज़ मिला के बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है बहुत अच्छा अच्छा किट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे किट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया में उतना अच्छा है नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके मोटरसाइकिल पे आप यूज़ करोगे ये चीज़, तो आप क्या कर सकते हो, इनसे जो रिव्यूज़ है लोगों से वो ले सकते हो। अगर आप रिव्यूज़ देखोगे लोगों से कि कैसा है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे यही बताऊँगा आपको कि यहाँ पे किट ऐसा लगाने से 10 mm के करीब इंक्रीमेंट अगर करोगे आप बोर में, तो लगभग आपको 10% इंक्रीज़ हो जाएगा आपका जो CC है वो, और साथ में आपको पावर आउटपुट भी 3 to 5 BHP का, वो इंजन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो पावर आउटपुट भी आपको अच्छा खासा 5 to 10% के बीच में इंक्रीमेंट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, सिर्फ ये किट खरीद के, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि बस ये किट खरीद लोगे आप, क्योंकि किट के साथ क्या आता है, पिस्टन आएगा एक, और साथ में हेड गैस्केट जो होता है या फिर जो बिलो गैस्केट होता है, दोनों गैस्केट आएंगे, तो ये सारा लगाओगे आप तभी काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। साथ में आपको आपका ECU जो है उसको भी ट्यून करना पड़ेगा। लोअर CC इंजन में ये दिक्कत नहीं आती, अगर कार्बोरेटेड इंजन हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में आपको ECU भी ट्यून करवाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा सिलेंडर का साइज जो बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, जो फ्यूल इंजेक्शन है उसको भी इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से इंजन को ट्यून करने के लिए आपको आफ्टर मार्केट ECU या फिर पिगी बैग ECU आपको खरीदना पड़ेगा और उससे ट्यून करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है वो साथ में आपका जो ट्यून है ECU भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके रिलेटेड अगर कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिए आगे कभी लाएंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस लाल बटन को दबा के, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।